क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 2 में आखिरी तीन पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी यही आपको ax plus by plus c के फॉर्मेट में लाना है और फाइनली a, b और c निकालना है आपको, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 into x plus y, कंटेनिंग टर्म हमारा जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट जीरो कर देंगे, प्लस 2 इक्वल जीरो। अब ये आ गया ax plus by plus c के फॉर्मेट में। अब आप यहाँ पे a equals कंपेयर करके लिख देंगे b equals 0 एंड c equals 2, क्लियर। नेक्स्ट ये आपका सेवेंथ, यहाँ x कंटेनिंग टर्म नहीं है तो आप यहाँ पे 0 इंटू x कर दीजिए प्लस 1 इंटू y प्लस माइनस 2 इक्वल्स 0 आ गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में आ गया। अब आपका a निकल गया a 0, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, यहाँ से कंपेयर करके b आपका आ गया 1 एंड c आ गया आपका माइनस 2, राइट। अब लास्ट पार्ट हमारा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 5 इक्वल 0 माइनस 2x प्लस 0 इंटू y नहीं है तो 0 का कोएफिशिएंट ले लेंगे इसमें, प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। अब ये आपका आ गया इस फॉर्मेट में ax plus by plus c का फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमें a b c फाइंड आउट करना है, तो a हो गया आपका माइनस 2, b हो गया 0 एंड c हो गया 5, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है।